नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। पीएम मोदी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है, एजेंडा तैयार है और अब नई सरकार पूरे एक्शन में आ गई है। कार्यभार संभालते ही मोदी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करने वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। वहीं पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद मोदी सरकार ने आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। नए कार्यकाल में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाने का फैसला भी लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने पिछले 2 कार्यकाल की आर्थिक नीतियों से छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के एजेंडे में मध्यम वर्ग भी है, वहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी कदम उठाए जा सकते हैं। रविवार को शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे और कार्यभार संभाल लिया। पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में कर्मचारियों को भी संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने पीएमओ को पावर सेंटर नहीं बल्कि पीपल्स सेंटर की तरह डेवलप करने की बात कही। हम वो लोग नहीं है कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतने बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे हैं वही तो मेरी टीम है और वही टीम पर देश को भरोसा है। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता। पदभार संभालते ही मोदी एक्शन में आ गए। कार्यभार संभालते ही मोदी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करते हुए अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार 17वीं किश्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए बांटेगी, जिसमें देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए ये वाजिब था कि पहली फाइल जिस पर साइन किए जाने हैं वो किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई हो। हम आने वाले समय में किसानों के लिए और कृषि सेक्टर के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 100 दिनों के एजेंडे पर पहले से ही काम कर लिया है और तीसरी बार सरकार बनने पर इसे अमल में लाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के रोड मैप में एक व्यापक खाका है, जिसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त राष्ट्रीय दृष्टिकोण, आकांक्षाएं, लक्ष्य और कार्य बिंदु हैं। इसके लक्ष्यों में आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्य, जीवन की सुगमता, व्यापार करने की आसानी, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने पिछले 2 कार्यकाल की आर्थिक नीतियों से छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं। शुक्रवार को अपने संबोधन में
उन्होंने साफ कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक का विस्तार, पर्यटन और अन्य सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहन के साथ मुद्रा लोन जैसी स्कीम जारी रहेगी ताकि छोटे छोटे लोन से गरीब अपना कारोबार शुरू कर सकें। गरीबों के सशक्तिकरण का कार्यक्रम जारी रहेगा। पीएम मोदी के मुताबिक नए कार्यकाल में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। अब तक 4 करोड़ नए मकान गरीबों को दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी के एजेंडे में मध्यम वर्ग भी है। मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और आसान कैसे बनाया जा सके, इस दिशा में मोदी सरकार नीति बना सकती है। मध्यम वर्ग को बचत सुविधा देने के इस बयान पर आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में पेश होने वाले बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स दरों में राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार बनने से पहले 2 महीने की अवधि के दौरान आर्थिक गति न रुके। नई सरकार में निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी पुरानी रणनीति के तहत कई सुधारों को मोदी आगे भी जारी रखेंगे। इसमें लेबर कोड शामिल है जिसे साल 2019 और 2020 में संसद द्वारा पारित किए जाने के बावजूद अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। साथ ही भूमि सुधार भी शामिल है जो फैक्ट्री की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बना सकते हैं। इस तरह पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स के विनिवेश की योजना, जिनमें से कुछ पर काम चल रहा है, वहीं जीएसटी को लेकर सरकार कुछ और बदलाव कर सकती है जिसके रेट और कम किए जा सकते हैं और इसे आसान बनाया जा सकता है। वहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी कदम उठाए जा सकते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करता है। ऐसे में अगले 5 साल के कार्यकाल में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाएगा। मोदी ने फिर से यह दोहराया कि वह देश को $5 ट्रिलियन वाली तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साफ है मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का एजेंडा सेट कर लिया है और इस पर सोमवार से ही काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआत किसानों से की है और अगले 5 साल तक विकास का कारवां बढ़ता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है। मोदी सरकार 3.0 की पहली बैठक के दौरान मोदी ने आवास योजना से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। योजना के तहत बने सभी घरों में LPG और बिजली के कनेक्शन होंगे। इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा। वहीं पदभार संभालते ही पीएम मोदी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करते हुए अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए बांटेगी जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा मोदी के क्या कुछ बड़े एजेंडे आने वाले समय में रहने वाले हैं, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ TMC के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शशिकांत जी, पीएम मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करते हुए अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर किए गए, देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा, पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त अप्रैल मई 2024 में मिलने वाली थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें देरी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस फाइल पर हस्ताक्षर करके किसी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार नहीं किया है। देखिए, मोदी जी शपथ लेते ही पहला काम जो उन्होंने किया तो इस किसान निधि में लगभग 9 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का काम किया, चाहे वो पीछे का हो निधि या आगे का हो। मोदी जी के प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो देश के किसानों के साथ खड़े हैं।
ये उनकी प्रतिबद्धता है, ये उनकी आगे 5 साल फिर आगे की कार्ययोजना को वो दर्शाता है कि जो पहला कदम उन्होंने उठाया तो किसानों के साथ उठाया। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो लगभग एनडीए का घोषणा पत्र है। एनडीए के हमारे प्री पोल अलायंस थे, इसलिए सबके मतों को, सबकी राय को, सबकी नियत को देखते हुए वो घोषणा पत्र बना था। तो उस घोषणा पत्र के अनुसार एक एक काम अब आगे होंगे। अभी आपने जैसा कि रिपोर्ट में जिक्र किया कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, भारत को निश्चित रूप से दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, चाहे वो रेल के मामले में हो, रेल की जितने कोच से लेकर के इंजन से लेकर के एक एक चीज बॉल बियरिंग तक जो कुछ बनेगा वो भारत में बनेगा। हवाई जितने हमारा नेटवर्क है, हवाई जहाज से लेकर के और हमारे लड़ाकू विमान तक के मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में बनेंगे। एक एक चीज भारत बनाएगा और दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा, दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। जैसा कि पिछले कार्यकाल में हमने ब्रह्मोस ताइवान को सप्लाई किया है, दिया है, भारत ने दिया है, इस चीज को आगे बढ़ाएगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग हब भी भारत में होगा। इस कार्यकाल में बहुत कुछ होने वाला है, नई योजनाएं होंगी और मोदी की जो योजनाएं हैं इस पूरे कार्यकाल में वो उनको साकार करने की पूरी कोशिश यहां पर करेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं शशिकांत जी। लेकिन अगर बात करें योगेंद्र सिंह जी, क्योंकि आम लोगों की परेशानी और उनके प्रति सरकार की उदासीनता जो आप चुनाव मैदान में लेकर गए हुए थे, कैबिनेट का शुरुआती निर्णय इस बात का सबूत है कि सरकार ने आपके मुद्दों को बड़ी ही गंभीरता से लिया है और इसके महत्व को समझा है। योगेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जब आवाज मिलेगी तो इस सवाल का जवाब जरूर हम यहां पर लेंगे। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, क्योंकि बीजेपी सरकार में है और उसके खिलाफ जो लोगों में नाराजगी है उससे उभरने का उसके पास मौका है। कैबिनेट के फैसले से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस पर कार्य करेगी। इससे आगे विधानसभा चुनावों में आपके लिए बड़ी चुनौती होगी और कड़ी होगी। लेकिन देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती अब रही नहीं। जो चुनौतियां थी वो लोकसभा की, उसमें बंगाल के लोगों ने दिखा दिया है कि चुनौतियां भाजपा के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने जनता के साथ में रह करके काम करा और आगे भी करते रहेंगे जनता के लिए, हित के काम करें। पर आज देश के अंदर ये बताए ना कि इन्होंने 10 साल में कौन से ऐसे विकास कर दिए, जो तीसरी बात ही इनको जनता ने सुना है, चलिए माइंडेड कम हो गया, ये सीट शेयरिंग में भी घटते चले गए, वोट शेयरिंग में भी घटते चले जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बनारस में खुद 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं, 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि राहुल गांधी 3.5 लाख वोटों से जीत करके आए हैं दोनों जगह से। ये राहुल गांधी को हराने चले थे, इंडिया गठबंधन को हराने चले थे। और आज आप देखिए नीट के भी कल भी आंदोलन हो रहे थे। नीट परीक्षा इधर होती है, उधर पेपर आउट हो जाता है और फिर कैंसिल हो जाता है सब कुछ। तो बच्चों के भविष्य के ऊपर भी खिलवाड़ हो रहा है, क्यों नहीं इसके ऊपर कोई कानून बनता है कि पेपर आउट होते हैं, पेपर के ऊपर जो लोग पेपर इस तरीके के बना करके आउट करके बच्चों के संग में भविष्य को खराब कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है? क्यों सो रहे हैं लोग? कब जागेंगे? जागेंगे भी इस बार अब जागेंगे। अब जनता ने जो मैंडेट दिया है विपक्ष के नेताओं को, वो इनकी नींद हराम करने के लिए दिया है। जगाने का तो प्रयास आप लोगों ने किया ना, मंचों से अपने अपने तरीके से आपने प्रयास किया, टीएमसी ने अलग किया, कांग्रेस ने अलग तरीके से प्रयास किया। और योगेंद्र सिंह जी, क्योंकि इससे पहले यही मैं आपसे सवाल भी कर रही थी कि जिन बातों को लेकर आप सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, मंचों पर लगातार जिन बातों को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए आ रहे थे, कैबिनेट का शुरुआती निर्णय इस बात का सबूत है कि सरकार ने आपके मुद्दों को गंभीरता से लिया है और इसके महत्व को समझा है। योगेंद्र जी, जी रेशु जी, आवाज आ रही, बोलिए जी। सर, आप सवाल सुन पाए या फिर से दोहराऊं?
चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद आपको, और फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश यहां पर करेंगे। लेकिन शशिकांत तिवारी जी, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को ही कह रही है कि यदि मोदी वास्तव में किसानों के कल्याण को लेकर चिंतित होते तो किसान हित में कुछ और भी फैसले लेते हैं। देखिए, किसानों के लिए तो मोदी सरकार प्रतिबद्ध रही है, पिछले 10 साल से रही है, और किसानों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी करते रहे। अरे आए दुगनी करने का वादा कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 तक। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी आपको पूरा मौका मिलेगा, उनको कम्प्लीट करने दीजिए एक बार, उसके बाद आपके पास आती हूँ। जी शशिकांत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हमेशा किसान की आय कैसे दुगुनी होगी इस पे हमेशा चिंतित रही है। रिसर्च के मामले में भी हम जो कृषि संस्थान है, जो शोध करते हैं, उन संस्थानों को मोदी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा, उनके फंड को बढ़ाया कि रिसर्च में कमी ना हो। दूसरे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि दुनिया ये यूरिया जो है, जहाँ जहाँ जो जो देश इंपोर्ट करते हैं, आज भी भारत उनके जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और फिर यूरिया बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ने के बाद भी ऐसे ऐसे देश हैं, रुपए के वैल्यू में आप पाएंगी तो 3,000 रुपया बोरी उनको किसानों को मिलता है। आज हमारे देश को आज भी 300 रुपया बोरी मिल रहा है, इस पर भी मोदी सरकार हमेशा से ध्यान रखती रही है। हाँ, किसानों को आय बढ़ाने के ही नियत से बॉर्डर खोले गए थे, राज्यों के बॉर्डर खोलने के लिए जो क्वारंटाइन ला है, क्वारंटाइन ला किसानों पे ही लागू किया था, अंग्रेजों के जमाने से क्वारंटाइन ला बना था कि एक राज्य से दूसरे राज्य किसान अनाज नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसमें कीड़े और बीमारियां जाने की संभावना है। तो वो क्वारंटाइन ला आज भी लागू है, उसको मोदी जी ने जब हटाया तो किसानों ने आंदोलन कर दिया और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, चलिए वो भी पीछे ले लिया। अब मोदी जी ने यही कहा था कि जिस दिन हम देश के किसानों को समझा लेंगे तब ये कानून लाएंगे, अन्यथा ये इसको स्थगित किया जाता है। तो किसानों के हित को ध्यान रख करके आगे भी मोदी सरकार काम करती रहेगी, उस पर शोध होंगे, उस पर रिसर्च होंगे, उनके उनको किस तरह से कमोडिटी, कभी याद करिए कांग्रेस के जमाने में लाठियां किसानों पे लाठियां बरसती थी, जब यूरिया का ट्रक आता था उनके गोडाउन पे तो लाठियां चलती थी, सपा सरकार में लाठियां चलती थी किसानों पर, आज वो स्थिति नहीं है, पूरे देश में कहीं लाठी नहीं चल रही किसानों को। जवाब दे दीजिए योगेंद्र सिंह जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में तो किसानों के ऊपर लाठियां चलती थी, हमने तो सिर्फ किसानों के हित के लिए कार्य किया है और अब की बार तो और अधिक हितों के लिए कार्य करेंगे किसानों के। रेशु जी ये कैसी बात कर रहे हैं, ये बात जनता को कैसे जहन में उतारेंगे ऐसी बात। आपने जो चुनाव लड़ा है 2024 का, विपक्ष इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, जवान, किसान, इसके आधारित इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और जो परिणाम आए हैं बड़े चौंकाने वाले आए हैं। बीजेपी को 240 ही मात्र सीटें मिली है, इनके नेता तो बड़ी बड़ी रैलियों में दावे कर रहे थे 400 पार के, ये 300 पार भी नहीं हो पाए। ये अपने घटक दल जो एनडीए के घटक दल थे उनके लिए बोल रहे थे कि ये मुश्किल से 20-25 सीटें लेके आएंगे। आज के हालात है, बीजेपी एनडीए गठबंधन से सरकार बना रही है और इंडिया गठबंधन का जो वोट प्रतिशत है 2019 के मुकाबले 24 में काफी बड़ा है, काफी सीटें आई है। आप देख लीजिए, बीजेपी डबल इंजन सरकार की दुहाई देती रही लेकिन राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में इनकी हालत खराब हो गई। और ये किसानों की बात किस मुंह से कर रहे हैं, हालात कितने भी खराब हुए हो लेकिन सरकार तो इन लोगों ने ही बना ली ना। किसानों के एमएसपी और किसानों के खिलाफ तो ये काले कानून लेके आ गए थे, तो इनको तो किसान हित की बात करना भी इनके मुंह से शोभा नहीं देता। नहीं, सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो नारे तो आपकी तरफ से भी तमाम यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है ना कि सत्ता में कौन है, दिल्ली की कुर्सी पर कौन है, दिल्ली की कुर्सी पर तो यही लोग बैठे। देखिए, जनता ने खंडित जनादेश दिया है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया, गठबंधन की सरकार चल रही है, 2014 में ये पूर्ण बहुमत से आए थे, इन्होंने किसानों के साथ वायदे किए, जनता के साथ वायदे किए, लेकिन उन वायदों पर ये खरे नहीं उतरे। गठबंधन तो पहले ही हो गया था, अपना मत, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये बताइए तो गठबंधन के साथ ही लड़े हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई है, गठबंधन के साथ ही जुड़े थे, एनडीए के साथ पहले से ही वो लड़ रहे थे। बिल्कुल रेशु जी, लेकिन आप देखेंगे 2019 और 14 के मुकाबले में एनडीए का वोट प्रतिशत 2 से 2.25% घटा, सीटें इनकी घटी, उत्तर प्रदेश में ये दावा कर रहे थे वहां कहां आके पहुंच गए, राजस्थान में इनके क्या हालात हो गए, महाराष्ट्र में क्या हालात हो गए। तो ये जनता का एक जनादेश है, मुद्दों को
आधारित लेकर, इन्होंने धर्म की राजनीति की लेकिन अयोध्या में ही अपनी सीट गवा बैठे। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब झूठे वायदे अगर कोई दल करता है तो उसको वोट की चोट से जनता सबक सिखाती है। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी, जिन बातों को यहाँ पर कह रहे हैं योगेंद्र सिंह जी, इसके बारे में तो यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे ही, इसके साथ ही लेकिन पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है और योजना के तहत बने सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी होंगे। इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा और उनके इस फैसले की यहाँ पर हर कोई तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए हैं, आप इन फैसलों को किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन 2014 के अभी मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं, इनके घोषणाएं जो करी थी वो 2014 के अभी पूरे नहीं हुए, 2019 वाले पूरे नहीं हुए, 2024 वाले कहां से पूरे हो जाएंगे? कि पीएम केयर आवास योजना का जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने प्रकाश कर रहे हैं, अभी तो ये बहुत सी चीजें जो इनका भी घोषणा पत्र में, तो खुद हैरान हूँ कि जो माननीय मोदी जी कहते थे किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 2022 खत्म हो गई, 2023 खत्म हो गई, 2024 खत्म होने आ रही है, तीसरा कार्यकाल चालू हो गया, अभी तक तो आय दुगनी हुई नहीं, युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, प्रति आदमी 2.5 लाख रुपए प्रति आदमी के ऊपर कर्जा पड़ गया है इस देश का, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कहते हैं बड़ा अच्छा काम हुआ देश के अंदर, बहुत अच्छा काम हुआ, और जहाँ जिस देश में आप मुझे भाई रवि राम जी का मंदिर जनवरी में बना है, जहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी राम जी को लेकर के, जो राम को लाए हैं उन्हें लाएंगे, पर वहां की जनता ने क्या फायदा दिखाया इस बार? अब जनता जाग चुकी है, जनता को चाहिए विकास, महंगाई से निजात, बेरोजगारी से निजात, जनता अब इसमें नहीं आने वाली है, जो राम को लाए हैं, जो किसी को लेकर के आएंगे, अरे भाई मंदिर मस्जिद इन सबसे आदमी का भला नहीं होना है, आदमी को चाहिए रोजगार। महंगाई, महंगाई जो आज चरम पे पहुंची हुई है, आज से 450 रुपए वाला, आज 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 950-1100 रुपए का पहुंच गया है, तो क्या आलम हो गया है? इस चीज के ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और हमारे मोदी जी इस चीज के ऊपर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? अभी तो आई बहुत लंबी है, जो दो दल इनके सल में आए हैं, पलटू राम चाचा, वो पता नहीं किस दिन पलटी मार रहे हैं सरकार आपकी, गिर जाए तो ठीक है, आप तीसरी बार आपने शपथ ले ली, बस ये टैग आपका लग गया, सब सरकार गिर जाए कोई भरोसा नहीं, पर ज्यादा दिन चलने वाली वो पलटेंगे या नहीं, वो पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, लेकिन आप लोगों की तो तमाम कोशिशें थी कि वो इस बार पलट जाए। नहीं तो मुझे आप बताइए ना, जो अभी अभी कई मांगे उनकी थी, क्या पूरी हो गई क्या? नीतीश चाचा की, ये टीडीपी की हो गई क्या? अभी नहीं हुई है, कुछ समय रुकी है, तो जब पूरी मांगे नहीं होंगे वो भी पलटेंगे। इन्होंने कहा था नीतीश चाचा ने इस चुनाव से, जब ये तेजस्वी यादव के मन को सरकार भरा इस चुनाव में, कि कसम खाता हूँ मर जाऊंगा मैं, अब इनके संग में नहीं जाऊंगा, तो आज क्या हुआ? तो क्या वहां पे जाने के बाद ये क्या नहीं पलटेंगे, ये भी कैसे कह सकते हैं? जिनके मुद्दे पूरे नहीं होंगे, इनकी बातें पूरी नहीं होंगी, इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, ये बिल्कुल पलटेंगे, हमें विश्वास है ये पलटेंगे, सरकार गिरेगी, सरकार अल्पमत में आएगी। ठीक है, सरकार अल्पमत में आएगी। शशिकांत तिवारी जी, देखिए इनको भरोसा है, पूरा विश्वास है कि सरकार हर हाल में गिरकर रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, कह रहे हैं सुमित मेहरोत्रा जी। और इसके साथ ही उन्होंने, क्योंकि जो मुद्दे लगातार चुनाव के समय मंच से उठाए जा रहे थे, प्रचार प्रसार इंडिया ब्लॉक की तरफ से किया जा रहा था, उन्हीं मुद्दों को आज फिर से उठाया जा रहा है कि इस देश में बहुत ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो कब उन सब चीजों पर कार्य किया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब आप दे पाएंगे? देखिए, इनके लिए अंगूर खट्टे हैं, ये जो लोग मना रहे हैं ना इंडिया गठबंधन के लोग, कि अंगूर इनके इनके हाथ लगेगा, तो अंगूर लगने वाला नहीं है, अब ये सरकार बन चुकी है और हमारे नेता जो है जितने गठबंधन के नेता भी है, तो ये लोग अंगूर खट्टे हैं, स्थिति में आ गए हैं, इनको अंगूर इनके हाथ लगने वाला नहीं है, सरकार बन चुकी है, मजबूत सरकार बनी है और गठबंधन के नेता ने सरकार है, सरकार बन चुकी है, दो दो सरकार गिर जाएगी,
ये क्या बात हुई सुमित मेहरोत्रा जी, आप कभी लंगड़ी सरकार कहकर संबोधित करते हैं, कभी एक सेकंड में सर बोल रही हूँ, कभी आप कहते हैं कि बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, लेकिन मुझे एक बात का तो आप लोग जवाब दे दीजिए ना कि बैसाखियों के सहारे सरकार कैसे चल सकती है, क्योंकि जब गठबंधन के साथ ये लोग लड़े हैं तो पूरा गठबंधन जीता है, ये पूरे एनडीए की जीत है, आप इसको इस तरीके से क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं रेशु जी देखिए, अगर माननीय मोदी जी की खुद की सरकार, खुद के 375 से ऊपर नंबर अगर आए होते तो ये फैसले अपने आप ले सकते थे। अपने फैसले लेने के लिए दो लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप बताइए हजूर हम क्या करें, आप मेरे को ये बताइए ये वाला फैसला हम ले या नहीं ले। अभी तो नीतीश जी को मना रहे थे, पीडीपी को मना रहे थे कि आइए आप आइए, अभी आप रुकी लोगों की अगर सरकार बनती तो क्या आप एक दूसरे से पूछकर कोई कार्य नहीं करते क्या? आप लोग भी तो यही कार्य करते, अगर वही कार्य मोदी करेंगे तो क्या समस्या है, क्या दिक्कत है उसमें सर? मुझे मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन शशिकांत तिवारी जी संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर जल्दी से? जी देखिए, ये कहिए बिलाप करना बंद करें, चुनावी मूड में अभी भी हैं, चुनाव हारने के बाद भी इनकी स्थिति अभी सुधरी नहीं है। अरे हारे नहीं है, एक सेकंड जी कंप्लीट करने दीजिए उनको भाई, आपको तो धैर्य के साथ आराम से सर, आराम से आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। तो देखिए लोग आने लगेंगे, अभी एनडीए में शामिल होंगे तो ये बताएंगे कि मोदी और अमित शाह जी ने तोड़ दिया। अरे आप अपनी इंडी गठबंधन चिंता करिए, सब टूटने वाले हैं, सब स्वार्थी लोग हैं, सब जेल जाने वाले हैं, सब परिवारवादी हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं शशिकांत तिवारी जी की सब जेल जाने वाले हैं, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है क्या? लोकतंत्र देख रहे हैं आप, तो एजेंडा पूरी तरीके से तैयार है और एक्शन में ऐसे में सरकार है, और इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक और विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार भी हमारे साथ इस चर्चा में है, बहुत स्वागत आपका भी भूपेंद्र कुमार जी। और इससे पहले, क्योंकि ब्रेक से पहले शशिकांत तिवारी जी आप कह रहे थे कि सब जेल जाने वाले हैं, इस बात से आपका क्या कुछ तात्पर्य था, जरा उसको समझा दीजिए। मेरा तात्पर्य कि सब जेल गए हुए लोग हैं या जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सब आरोपी लोग हैं, सबके सबके ऊपर घोटाला है, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, चाहे केजरीवाल तो जेल में है ही हैं, और इसी तरीके से झारखंड की स्थिति देख लीजिए, इनकी जितने राज्यों में इनका गठबंधन है सब वो आरोपी हैं जो जेल या तो जा चुके हैं या किसी न किसी आरोप में जेल जाएंगे। तो ये वो लोग हैं, देश से इनका कभी कोई लेना देना नहीं है। एक दो बातों पर रेशु जी जरा सा हमको आप एक मिनट दे दीजिए, एक दो चीजों पर ध्यान देना जरूरी है कि देखिए मीडिया और प्रिंट मीडिया हमेशा से आगाह करता रहा है कि अमेरिका के जॉर्ज सोरोस बार बार कहता था नरेंद्र मोदी सरकार को हराना है, तो उन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या उन्होंने फंडिंग की, फोर्ड फाउंडेशन हमेशा से वो रिसर्च और फंडिंग की बात करता है, तो किसके ऊपर वो फंडिंग लगाया गया, खाली शांत समर्थक जो एजेंसियां हैं विदेशों में वो किनके ऊपर किनको सपोर्ट कर रही थी, चाइना और पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है, देश के लोगों को इस पर समीक्षा करना चाहिए, देश के लोगों को इस पर आगाह रहना चाहिए। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे 240 आ गए, अरे आप तो 3 चुनाव लड़ के 240 नहीं हो सकते, आप 100 पार नहीं किए, और आप इतना दुस्साहस इतना गमन कि आप लोग नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ऐसे दबाव बना रहे हैं जैसे कि आप 100 पार कर गए हो, आप 3 चुनाव लड़ लिए 14, 19 और 24, आप दोनों तीनों जोड़ करके 240 नहीं हुए, आपका देखिए घमंड, आपका देखिए अरे 4 सीट क्या जीत गए, आप घमंड बढ़ गया। और ये शशिकांत जी, इसको दूसरे एंगल से देखिए ना, शशिकांत जी ये घमंड नहीं है, शशिकांत जी अत्याचार करने वाले लोग हैं, ठीक है शशिकांत जी, इसको आप घमंड मत कहिए, इसको आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि आप अच्छे परिणाम हर बार की तरह लेकर आएंगे, इस बार आपके परिणाम कम आए हैं, आपके नंबर कम आए हैं, इसलिए ये आपको लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अच्छे परिणामों की आपसे इन्होंने उम्मीद कहीं ना कहीं की होगी। हाँ रेशु जी, उस परिणाम को मैं समझाता हूँ कि जो एक कॉलेज के कुछ छात्र थे जो सिंसियर छात्र थे, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि भाई हम 90 नंबर अब 85 नंबर वाले लोग डिस्टिंक्शन वाले हैं, इस बार 95 लाएंगे, नहीं 95 आया
90, 92, 91 आ गया तो उन्होंने सोचा कि हमको समीक्षा करना चाहिए। और कुछ फेल छात्र थे, फेल छात्र 33 नंबर की उम्मीद नहीं थी और 37 भाग गए तो नगाड़ा बजाने लगे। इतना नगाड़ा बजाए कि पूरे देश का ध्यान उधर नगाड़ा बजाने वालों के तरफ जाने लगा, कौन लोग नगाड़ा बजा रहे हैं। आ तो पास हो गया भैया, पास हो गया, ये लोग वो लोग हैं नगाड़ा बजा रहे हैं बेमतलब का। इनको 90, 85, 95 और 33 नंबर। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन वाकई भूपेंद्र कुमार जी, शायद अभी तक के इतिहास में पहली बार आपने भी शायद ये देखा होगा, लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद जहां हारने वाला भी खुश है और जो जीता है वो तो प्रसन्न है ही। बिल्कुल सही बात है लोकतंत्र, क्योंकि क्या है, कांग्रेस जितनी डाउन हो सकती थी हो गई। उसकी 44 सीटें पिछली बार आती गई थी, ये तो पूरा आकलन था कि निश्चित रूप से कांग्रेस अब जिससे ज्यादा अपग्रेड करेगी। तो दोनों को है, क्योंकि विपक्ष जो पिछली बार था, विपक्ष कमजोर था और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष को उतना ही सशक्त होना चाहिए। और इस बार क्या हो रहा था, पिछली बार विपक्ष और सत्ता की भूमिका सिर्फ एनडीए या कहें बीजेपी निभा रही थी, तो निश्चित रूप से आज उनके पास सत्ता की कुंजी नहीं आई, लेकिन एक सशक्त विपक्ष तो आया। और विपक्ष आने के कारण क्या है, आपने लोकसभा में अब संख्या ज्यादा है, बल ज्यादा है, और जिसके कारण वो जनता के मुद्दे उठा सकेंगे, विकास के मुद्दे उठा सकेंगे, राष्ट्रीय एकता अखंडता के मुद्दे उठा सकेंगे और जो आधारभूत ढांचा के विकास का रूप है उसके बारे में चर्चा कर सकेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती में निश्चित रूप से एक पल आगे की ओर जाता है, दूसरा पल आगे की ओर बढ़ता है, तो ये पहिया की तरह है, गति है। निश्चित रूप से जो उनका कहना है कि अब, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को इस तरह से, देखिए कानून और संविधान की बात होती है, जो गलत करेगा उसको जेल जाएगा, लेकिन ठीक है, राजनीति में इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं और जो गलत सही होगा वो भी सामने आएगा, लेकिन इस तरह से अपने आप को वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता का जो समर्थन आया है और जनता का जो मतदान के रूप में जो प्रतिफल प्राप्त हुए हैं, पार्टी को स्वीकार करना चाहिए और व्यवहार करेंगी, क्योंकि निश्चित रूप से इस बार जो जो बहुमत पूर्ण रूप से दिया गया था वो न देकर एक संतुलित एक मैंडेट दिया गया, जिसके कारण ये संदेश दिया जन मतदाता ने कि हम एक लोकतांत्रिक, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाहते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि भूपेंद्र कुमार जी, क्योंकि चुनाव के समय भी मोदी और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और असली पिक्चर जो है वो बाकी है, जो कि तीसरे कार्यकाल में देखने को मिलेगी। क्योंकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता अधिनियम कानून का लागू होना बड़े फैसलों के रूप में गिना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में भी ये सवाल है कि आखिरकार इस बार एनडीए सरकार कौन से बड़े और कड़े फैसले ले सकती है और किन क्षेत्रों में बड़े निर्णय हो सकते हैं, आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, चार पांच मुद्दे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से आपने कहा कि उन्होंने 2019 में 370 और सीएए और राम मंदिर, ये ऐसे निर्णय लिए और उसमें कह सकते हैं कि नोटबंदी भी एक सार्थक निर्णय था और जो उसके बारे में, लेकिन काला धन उस तरह से प्रतिफल नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि जो भारतीय इतिहास में निश्चित रूप से याद रखे जाएंगे और मोदी जी को उसके लिए याद भी किया जाएगा। मोदी जी का जिस तरह से व्यक्तित्व और चरित्र है और जिस तरह से उनकी कार्य पद्धति है, 2001 से वो सीएम रहे हैं, उसके बाद 2014 से पीएम रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिस चीज को ठान लेते हैं और करते हैं और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए वो काम करते हैं। लेकिन जो अभी मैंडेट आया है वो एनडीए के पक्ष में आया है निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से अब थोड़ा सा, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं कह सकता और न ही मानने को तैयार है कि मोदी जी अपने जो उनके दृढ़ संकल्प है उसमें कहीं कमजोर पड़ेंगे या समझौता करेंगे, लेकिन एक समन्वय होता है लोकतंत्र में, समन्वय एक अच्छी चीज है, इसमें कोई बात नहीं है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र के लिए हमेशा एक ही मत होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए इसके उदाहरण बहुत बार मिले हैं। पीवी नरसिंह राव ने, देखिए उस समय यूएनओ में जब पाकिस्तान ने प्रश्न उठाया था तो अटल जी को भेजा था। ऐसे कई मुद्दे आए हैं, पोखरण चाहे पोखरण वाले में रहा हो, इंदिरा गांधी का समर्थन अटल जी और सब लोगों ने किया था और जब अटल जी ने भी 99 में पोखरण किया था, तो ऐसे मुद्दे राष्ट्र की सारी पार्टियां अपनी दलगत राजनीति छोड़ के इस तरह से विकास के मुद्दे पे निश्चित रूप से आगे बढ़ती हैं।
लेकिन राजनीति में कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जिससे जनता उत्तेजित होती है और जनता में एक डिवीजन होता है, तो इस मीडिया उस चीज को लेती है और उस पर एक डिबेट और विमर्श करती है और विमर्श के कारण उन चीजों का अंतकत्व तक पहुंचने के प्रयास करती है। इस तरह से ये नरेटिव सेट भी होते हैं। लेकिन जो तरह से जो समर्थन आया है अभी, मुझे तो लगता है कि जैसे उनका जिस तरह से जो बिल लाना है उनको 2009 में परिसीमन लोकसभा का करना है, सीटें बढ़ाना है, वो वाले की दिशा में भी वो काम करेंगे, निश्चित रूप से उस दिशा में काम करेंगे, यूसीसी के भी काम करेंगे और जो सामाजिक आधारभूत ढांचे की जो लिए विकास विदेश नीति है, वित्त नीति है, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पांचवी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी लाएंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में भी काम करेंगे, तो हो सकता है इस चीज वन नेशन वन इलेक्शन वो भी है उसमें भी कुछ समन्वय करेंगे और निश्चित रूप से इसमें राष्ट्र का पैसा भी बचेगा। और ठीक है भूपेंद्र जी, वन नेशन वन इलेक्शन की आपने यहाँ पर बात की, इसको लेकर भी मैं चर्चा आपसे आगे करूंगी, लेकिन शशिकांत तिवारी जी, क्योंकि देश भर में सबके लिए एक समान कानून करना बीजेपी के एजेंडे में रहा है और पार्टी ने 2024 के घोषणा पत्र में इस विषय को रखा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था और चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी कर दिया। सर, क्या अब आप लोग एनडीए के तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे और क्या कुछ योजना इस पर हो सकती है? देखिए, उन हर मुद्दों को आगे बढ़ाने में जोर देंगे जो हमने घोषणा पत्र में लिया है। हाँ, ये जरूर है कि हम सबकी राय होगी, सबसे विचार विमर्श होगा और सबकी राय से। अब देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से मीटिंग में कहा कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, आप बिना आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, ये नीतीश कुमार जी के शब्द हैं जिस दिन एनडीए की बैठक हो रही थी। तो अब हमारे घटक दल जिन मुद्दों पे हमारे साथ हैं, जो जिसमें उनको कोई विचार विमर्श नहीं करनी है, कोई राय नहीं देनी है, तो उस पे आगे बढ़ेंगे जिनमें उनकी विचार। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि नीतीश कुमार ने अग्निवीर योजना को लेकर भी कहा था कि एक बार इस पर पुनः आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इस पूरे मुद्दे को, अग्निवीर योजना को लेकर तो विपक्ष ने किस तरीके से मंचों पर आप लोगों के ऊपर जमकर प्रहार किया है वो आपने देखा ही। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता त्यागी जी ने कहा था इस बात को कि अग्निवीर योजना पे एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, एक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से अगर किसी योजना में विपक्ष हमारे ऊपर हमलावर रहा है तो उसको हम हमारी सरकार, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, देखिए हर बातों पे, जब किसान कानून को जब इन लोगों ने बताने लगे कि किसानों के खिलाफ है तो मोदी जी ने वापस ले लिया कि भाई ये लोग हम समझाने में सफल नहीं रहे और ये लोग समझाने में सफल हो गए कि ये किसानों के खिलाफ है तो वापस ले लिया। तो कोई भी कानून को फिर से विचार विमर्श किया जा सकता है जो देश हित में हो, जिसके लिए लागू किया है, हमारे नौजवान के लिए लागू किया गया, नौजवान ही खुश नहीं होगा तो हमारी योजनाओं का पुनर्विचार किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये योजनाएं उन नौजवानों के लिए है जो 75%, जो हमारे रक्षा मंत्री जी भी इस पे बयान दे चुके थे कि 75% अग्निवीर योजना सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में समाहित कर लिए जाएंगे। लेकिन ये लोग, विपक्ष के लोग, ये समझाने में सफल रहे कि नहीं, अग्निवीर योजना तो आते ही मैं हटा दूंगा और रहने नहीं दूंगा, ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। तो उसपे त्यागी जी ने, नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता त्यागी जी ने अपनी बात रखी है कि इस पे एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो वो अगर कोई हमारा घटक दल कहता है कि इस पे विचार विमर्श की आवश्यकता है तो किया जा सकता है। तो मतलब विचार आप कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को मंच से लगातार योगेंद्र सिंह जी आप लोग उठा रहे थे, उन बातों को अब प्रमुखता से जगह दी जा रही है। देखिए, बीजेपी के साथ जो प्रवक्ता है, इन्होंने पहले घमंड और संख्या की बात की। घमंड तो आपने था 10 साल में, आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस मुक्त की भारत की बात करी थी, क्या कांग्रेस मुक्त हुआ क्या? और संख्या बल की बात, 1984 में हमारे 414 सीटें आई थी, फिर भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी ने कभी घमंड नहीं किया और लोकतंत्र को दबाने और विपक्ष को कमजोर करने का काम नहीं किया। आपने सदन क्या किया, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया, विपरीत हालात में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, उसके बाद भी अच्छे परिणाम आए हैं। अब आप बात करें अग्निवीर योजना की, अगर अग्निवीर योजना देश हित में नहीं है तो आप तुरंत प्रभाव से
खत्म क्यों नहीं करते? आप इसमें पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। अग्निवीर के तहत मैं उदाहरण बता देता हूं आपको, राजस्थान में एक जवान शहीद हो गए लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। आप बात बताइए, तो ऐसे कई जवान जो शहीद हुए हैं और अग्निवीर में जिनको जो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो अग्निवीर योजना में ये जो संशोधन की बात करें, पुनर्विचार तुरंत करना चाहिए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे उतना देश को नुकसान होगा। ठीक है योगेंद्र सिंह जी, क्योंकि इन बातों को लेकर तो आप लगातार मंचों से तमाम बार अपनी तरफ से प्रयास करते हुए नजर आए हैं, जनता के बीच लेकर जाते हुए नजर आए हैं, लेकिन सरकार यदि आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर अब लगातार काम करती है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आपके पास सांस लेने तक की मोहलत नहीं होगी, क्योंकि जो माहौल आपने बनाया है उसे सरकार अपने फैसलों से कवर अप कर लेगी, विपक्ष के रूप में इस बार आपकी जो भूमिका है वो भी बड़ी होगी। देखिए, इस बार मजबूत विपक्ष की भूमिका ने जनता ने हमें सदन में बैठाया और किसानों के काले कानून पर विपक्ष एकजुट होकर पूरे देश में ये आंदोलन किया था, सरकार को झुकना पड़ा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ऐसे ही अग्निवीर हो या ऐसे फैसले जो मोदी सरकार देश हित में नहीं करेगी, विपक्ष सदन में उस जनता की आवाज मिलकर उसका विरोध करेगी और ऐसे फैसलों को लागू नहीं होने देगी। ठीक है भूपेंद्र कुमार जी, क्योंकि नई सरकार के शुरुआती निर्णय आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाले होंगे और इसकी झलक पहली कैबिनेट में मिल भी चुकी है, क्या ऐसा इसलिए है कि चुनाव में एक साइलेंट मैसेज बीजेपी के खिलाफ गया है और उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी करेगी? देखिए, अगर चुनाव की विश्लेषण करें और डैमेज, देखिए पार्टी तो अपने स्तर पे अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती है समय समय और नई नीतियां लागू करती है, और प्रधानमंत्री जी एक विजन के रूप में काम करते हैं, उनको देखा गया है, वो अपने चीजों को कभी भी बताने के लिए और वो मंच पर रखने के लिए एक अद्भुत उनकी क्षमता रहती है, और जब वो बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक प्रभाव पड़ता है। और ये जो आज उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग रखी है और साथ में उन्होंने जो किसान निधि में पहले सिग्नेचर किए हैं 100 दिन का वो मैप मंत्रियों से बोला है, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि हमारे एक्टिविटीज बढ़े और हमारे क्रियान्वयन जो रेटिव सिस्टम है जो अब तक सही है और उसको कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन 2019 के बाद अगर देखें तो आप फाइनेंशियल और रेलवे फोकस आईटी के सेक्टर में और विदेश नीति में इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो रोडों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, उनमें बड़ा काम हुआ है, और उस मुझे लगता है कि उसी कैबिनेट को टाइम टू टाइम रखा जाएगा, विदेश मंत्री को भी और आईटी सेक्टर के मंत्री को भी और साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर को, क्योंकि उसके बिना उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं करेंगे। और मिनिस्टर को उन्होंने जिस तरह से आज कैबिनेट जो उन्होंने कल शपथ दिलाई और आज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विभागों का, तो इसमें भी उनकी स्किल का और का ध्यान रखेंगे, और वो एक विजन चाहेंगे क्योंकि वो खुद हार्ड वर्कर हैं, खुद काम करते हैं 22 घंटे 20-20 घंटे काम करना उनका विजन है, और इसी तरह से वो अपने सहयोगी से भी चाहते हैं कि इस तरह से कार्य हो। बिल्कुल, और आज सुबह ही वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे जब संबोधित कर रहे थे कि हमारे लिए समय का कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कई बार ये ब्यूरोक्रेट को कवर किया है और उनके स्टेटमेंट सुने हैं, तो वो कहते थे कि पीएम साहब के पास कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती थी, जब चाहे जब बात करते थे सुनते बहुत ज्यादा हैं, फिर उसके बाद जहां उनको डाउट होता उसके क्लियरिटी करते हैं, तो उनका एक जो प्रशासन और उनका लंबा अनुभव है, आप मान के चलिए 3rd टर्म यहाँ है, वहाँ लगभग उन्होंने 13 साल सीएम के रूप में एक बहुत व्यापक अनुभव है, और पूरे वैश्विक रूप से वो दो बार घूमे भी हैं, उनको विदेशी नॉलेज भी है, छोटी छोटी गंभीर चीजों को समझते हैं, उन चीजों का क्रियान्वयन करते हैं, ये उनकी एक संगठनात्मक रूप से भी और उनके व्यक्तित्व के रूप में काम है जो हमको दिखता है उनके जो प्रशासन, और वो अपनी टीम अपने हिसाब से बनाते हैं, कलेक्टिव टीम बना रहे हैं।
और उस टीम में उनके साथ कभी भी इस तरह से नहीं रहता है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हो वो उनके साथ करे। तो मैं तो यही मानूंगा कि जो काम नहीं कर जो काम नहीं करना चाहते वो भी धीरे धीरे उनके साथ काम करना सीख जाएं, क्योंकि ये तो इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने देखा कि भीषण गर्मी के दौरान भी उन्होंने कितनी जनसभाएं की, कितनी रैलियां की और लगातार 186 रैलियां की, और बताइए 73 व्यक्ति है, बताइए को मात कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो उनकी जो कर्मठता है वो दिखती है, और जब शीर्ष नेतृत्व के लोग इस तरीके से कर्मठता के साथ कार्य करेंगे तो बाकी लोगों को तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे अंतिम सवाल, क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर भी इससे पहले आप चर्चा कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव की बात की थी, और तब से अब तक कई मौके पर बीजेपी की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार इसे लागू करने पर पूरा जोर दे सकती है। एनडीए सरकार में प्रमुख दल बन चुकी जदयू ने भी हालांकि अपना जो समर्थन है वो पहले ही जता दिया है। क्या माना जाए कि इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव की बात पूर्ण हो सकती है, ये कितना संभव और कितना असंभव, संक्षेप में सर? देखिए इसके कई कारण देखने पड़ेंगे। एक अगर एक बार चुनाव होंगे देश में तो कितना रेवेन्यू बटेगा, और दूसरी बात जो सरकार जो पार्टियां टूटते हैं, सांसद टूटते हैं, वो भी एक बचेगा, और एक टाइम के लिए एक मैंडेट जाएगा, और जिसके कारण सरकार काम कर सकेगी और इसका विमर्श निश्चित रूप से रखेगी। और मेरा मानना है कि इस टर्म में ये चीज लागू होगी और सारे लोग तैयार होंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा ही होता है ध्रुवीकरण, क्योंकि जब से कोरिलेशन की गवर्नमेंट बनती है तो कुछ लोग अपने फायदे और लाभ के लिए चले जाते हैं, जिससे आम आदमी का पैसा ही फिर से चुनाव में लगता है, फिर उसमें विकास की योजनाएं निश्चित रूप से लंबित हो जाती हैं, और जो योजनाएं पहली सरकार दे जाती है उनका नामकरण और उनके द्वितीय गवर्नमेंट का तो अपना लेवल लगाने के लिए कई चीजें होती हैं जो व्यवधान डालती हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि सारी पार्टियां जो है और मानेंगी, और मोदी जी इस चीज में कुशल हैं, और हम तो ये उनको अच्छी तरह से जानते भी हैं और हम उनको फॉलो भी करते हैं कि वो नेशन फर्स्ट वाले व्यक्ति हैं, और सारे नेता। चलिए आप कह रहे हैं कि बहुत आसान होगा ये, लेकिन इतना आसान दिखता नहीं है, विपक्ष इस बात को मानेगा? मैं जवाब इस पर जरूर यहाँ पर लेती योगेंद्र सिंह जी आपसे, लेकिन माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।